कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है। ये गार्डन 55 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें कि 17 लाख ट्यूलिप फूलों के पौधे हैं। गार्डन में ट्यूलिप के फूलों के साथ 43 नए प्रकार के फूल भी हैं, जो कि इसकी शोभा और बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि इसे 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाब अबीन आजाद द्वारा जम्मू और कश्मीर में पर्यटन सीजन को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने 50,000 ट्यूलिप बल्बों के साथ बगीचे की शुरुआत की थी। अब गार्डन में हर साल नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट पहुंचते हैं और ये काफी लोकप्रिय स्थल बन गया है। वहीं साल 2023 में 3.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने ये गार्डन देखा, तो वहीं इस साल 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंच सकते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसे पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, इसको जनता के लिए खोल दिया गया, क्योंकि विभिन्न रंगों के ट्यूलिप खिलने शुरू हो गए हैं।